ओ अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका जनाब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत होगी। और ये एक और हम खेल रहे थे आर्किन मोड, तो रिकॉर्ड कर लिया था मैंने लकीली। अच्छा मैच था ये भी। अच्छा तो यहाँ पे मुझे मिली गन, और गन मिलते साथ ही चपेड़े शुरू। ये भाई को फिनिश किया हमने, ठीक है जी। और अभी आप देखते जाएँ तो काफ़ी जो है ना फाइट हुई है काफ़ी। ये मैंने किसी का किल चुराया मेरे ख्याल से, यहाँ पे छुपा हुआ था इसको मारा। क्या बात, आप रिफ्लेक्स चेक करें। ओह यहाँ पे ना सामने एक बंदा कैंप कर रहा था, आ नहीं था रहा, और जब उसने डिसाइड किया कि वो आए तो फिर मैंने उसको वापस भेज दिया कि मेरा पुत्र छुट्टी कर चल। तो ये सीन हुआ यहाँ पे। इसको मारने के बाद मुझे सामने से साउंड आती है, और वो सामने बंदा खड़ा जहाँ पे मैंने मिस किया, ठीक है, एम चोक हो गया था मेरा, नहीं करना चाहिए था, इसी नॉक था। और यहाँ पे बंदा आ गया, पूरी टीम ही थी, और ये मैंने गलती की जो मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। देखा, यहाँ पे मुझे नेट नहीं करना चाहिए था, वैसे ही मार लेता उसको, लेकिन नहीं, मैंने कहा चलो नेट से मारते हैं, और ये गलत हुआ बहुत। तो खैर अभी ये डिवाइन कोई भाई थे जिनका डी गायब था नाम में से। तो इनसे जो है ना हम छोटा सा बदला लेंगे बाद में। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में, सब कोरा ही कोरा है। तो यहाँ पे मुझे मिल गई SR, ठीक है। ये स्नाइपर वाली आंटी बड़ी ख़तरनाक है वैसे, पीछे पड़ जाती है, एम लॉक हो जाता है इसका। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है काइंड ऑफ किल चोरी किया अपने टीममेट का। तो असल में जो देखने वाली चीज़ है वो है ये वाली फाइट। अब वो पीछे वो आगे डिवाइन भाई बगैर डी के इनको मैंने फिर बांध के मारा सुकून से। सॉरी ब्रो, जी। तो यहाँ पे लूट शूट क्रिस्टल्स वगैरह, पर अब ऊपर आते हैं तो क्रिस्टल्स तो फिर ज़रूरी हैं, जहरी सी बात है। ओए हो, और ये मैंने नो स्कोप बड़ी दूर से बंदा मार दिया, मार नहीं दिया बल्कि पेल दिया। सामने से मैंने देखा है जी, बड़े गुस्से में एक आंटी आ रही थी, और उनको मैंने बांधा तो है, मारना शुरू किया था कि पीछे से हथौड़े वाले भाई आ गए। ये जो हथौड़े वाला है ना भाई, ये बहुत ही जो है ना ख़तरनाक है। खैर यहाँ पे अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं इधर अपने टीममेट से कह रहा था कि व्हीकल्स ढूंढते हैं, तो मुझे नहीं पता था ऑलरेडी फाइट चल रही है। तो यहाँ पे जो है ईगल भाई ने जो है नॉक किया डिवाइन भाई को, और साथ ही जी मैं बग्गी लेके पहुंच गया फ़ौरन ही उन पे सपोर्ट के लिए, क्योंकि मुझे अब आइडिया नहीं था कि कितने बंदे हैं क्या सीन है। तो मैंने कहा चलो बंदे मारते हैं, फायर के साउंड आ रहे थे। तो ये मुझे बंदा स्पॉट हुआ और बहुत बुरा हुआ इसके साथ। तो इनको दे दिया गाड़ी के नीचे, डिवाइन भाई की क्रेट लूटी, इसकी क्रेट लूटी, और क्रिस्टल्स मेरे हो गए थे पूरे। तो मैंने मंगा ली फिर अपनी फेवरेट ओम, क्योंकि भाई ओम का अलग ही मज़ा है। फिर जो जो लोग ओम यूज़ करते हैं उनको आइडिया होगा कि कितना मज़ा है इसका, और जो नहीं करते यार करो ना भाई, किस बात का इंतज़ार है, क्या करते हो भाई, तुमने ज़िंदगी का असल मज़ा तो लिया ही नहीं है। करो भाई करो, ओम बहुत ज़रूरी है। खैर अब यहाँ से हम निकले, थोड़ा सा आगे गए, ड्रॉप बेसिकली लूटने आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें मिल गए बंदे। और यहाँ पे जो है वो बड़ी मज़ेदार फाइट हुई, और ऑम का मैंने यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया क्लोज रेंज में। और लूट बड़ी अच्छी मिल गई थी यहाँ से, और यहाँ पे लूट ही नहीं ख़त्म हो रही थी मेरी, और मेरी के मेरे टीममेट्स की भी, मतलब हम सारे लूटने में मसरूफ़ हो गए। तो मुझे अभी साउंड आता है यहाँ पे, और साथ ही जो है ना मैंने उसको मार दिया। मुझे लगा शायद इनका चौथा बंदा है, लेकिन वो बेचारा बॉट था। खैर ये बॉट भी बहुत क्यूट होते हैं, और हम जैसों के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। KD मेंटेन हो जाता है, तो बॉट्स आर लव।
यहाँ से खैर हम बैठे बग्गी में, ईगल भाई को मैंने पकड़ा और हम जा रहे हैं अब आगे बंदे स्पॉट करते हुए। तो यहाँ पे फायर होता है, हम यहाँ पे रुके और यहाँ पे कोई नॉक बंदा पड़ा हुआ था, उसको मैंने फिनिश डाला, किल अपने नाम किया और माजरत जैसे भी मैंने किल लिया, लेकिन किल चोरी का फिर अपने मज़े। यहाँ पे ईगल भाई ने एक नॉक किया, मैंने उनका नॉक वाला फिनिश डाला और अभी हम स्पॉट कर रहे हैं कि क्या सीन है और बंदे कहाँ पे हैं। अब आइडिया तो था हम लोगों को कि साइड पे बंदे हैं, क्योंकि फायर यहाँ से आया था, लेकिन प्रॉपर स्पॉट नहीं हो रहे थे। अचानक एक बंदा नज़र आता, इसको पीछे से भी पड़ रही थी और मैंने आराम से अपना टाइम ले के इसको मारा, फिनिश डाला। एक और बंदा स्पॉट हुआ, उसको मारा, लेकिन फिनिश नहीं हो सका, ये बदतमीज। खैर अब देखो, जब बंदा नॉक होता है ना तो उसको फिनिश करना जो है ना आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया, क्योंकि लोग जो है ना हलवा खाने पहुंचे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ छोड़ छाड़ के, बाकी बंदे किधर हैं, क्या सीन है, मैंने कहा भाई बंदा कंफर्म करना है बस। तो यहाँ पे बंदा कंफर्म करता हूँ मैं, यहाँ पे शील्ड बिछा देता हूँ साथ ही, क्योंकि ऊपर से फायर आ रहे थे, पड़ रही थी गोलियाँ, और एक और बंदा भी सामने उतरता है, मैंने देखा उसको। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा फॉल बैक करता हूँ मैं, यहाँ से मुझे साउंड आ रही थी इन्हीं कंपाउंड्स पे जहाँ पे हम फायर ले रहे थे। बंदा था यहाँ पे छुपा हुआ था बॉक्स के पीछे, उसको मारता हूँ, उसकी लूट वगैरह करते हैं आराम से और फिर हम पकड़ते हैं बग्गी, क्योंकि जोन डैमेज देगा। अब फाइट अभी भी हो रही थी जोन के पास पास ही बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं थोड़ा राइट से गया क्योंकि अभी पता नहीं था बंदे कितने हैं और कहाँ पे हैं एक्सैक्ट। तो राइट से जाके ना मैं रुक गया जोन के साथ ही बिल्कुल, और अब यहाँ पे मैं स्पॉट करूँगा बंदा। और हाइट है हमारे पास तो हम फ़ायदे में, एडवांटेज है। तो यहाँ पे गाड़ी फटी हुई थी एक, और ये मुझे बंदा हुआ स्पॉट। मैं मार सकता था इस बंदे को, लेकिन मैंने खुद नहीं मारा कि अगर बाय चांस शॉट मिस हो जाती तो उसको लोकेशन चला जाएगी। और यहाँ पे मैंने अपने टाइम लेकर आराम से उसको नॉक दिया इजीली। लेफ्ट साइड से मुझे पड़ रही थी कहीं से, नॉट श्योर कहाँ से पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे गया हूँ। अभी भी वो स्नाइपर चला रहा था बंदा और पड़ भी रही थी M4 थी, तो मुझे अब आइडिया नहीं है, मैं गलत साइड पर देख रहा था। मैंने कहा चलो इसको तो फिनिश डालें। और फिर जो है ईगल भाई ने बताया कि भाई लेफ्ट पे बंदे हैं इधर, और ये आय हाय हाय अपने टीममेट को लेने आया था। ओए होए हो ज़रा सही बच्चा। खैर और जो गाड़ी वाला नॉक था ना, उफ बड़ा मज़ा आया बेचारे, सॉरी ब्रो। तो अब मैंने ईगल भाई से कहा कि यार आओ जोन में चलें, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ड्रिंक्स वगैरह लगा रहा हूँ और हम आए जोन में। जोन में आते साथ ही आगे गोलियाँ चल रही थी, तो आई वाज श्योर कि मतलब बंदे तो हैं ऑब्वियसली, तो मैंने कहा इनको बैक स्टैप करते हैं। वहाँ पे मुझे बंदा स्पॉट हुआ और ये मैंने नॉक, मैं भी मार रहा था इसको, लेकिन कोई और भी मार रहा था, नॉक किसी और ने किया, फिनिश मैंने किया। खैर अब आगे जाता हूँ मैं और इस घर में आ जाता हूँ ताकि व्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिल सके। और वेस्ट मैंने उठाई जो कि डैमेज थी मेरी, साथ ही बंदा मैं स्पॉट हुआ। इसको पता नहीं क्यों नहीं पड़ी, मुझे कोई ये बताया कि क्यों नहीं पड़ी इसको पहली वाली शॉट। खैर इसको मैंने नॉक किया और ईगल भाई से मैंने कहा कि यार पुश कर दो आप। तो ईगल भाई साथ साथ जो है ना चार्ज कर रहे थे, ऑम ही थी मेरे हाथ में, मैंने कहा चलो इनको लेते हैं। खैर यहाँ पे अकेला बंदा था, इसके जो टीममेट्स थे वो पीछे थे अब। तो यहाँ पे मैंने, मुझे लगा कि यहाँ पे करीब आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था, वही वाला बंदा था और वो भी थोड़ा दूर चला गया था। तो इसको फिनिश करने के चक्कर में मैं हुआ एक्सपोज और मुझे उन्होंने चपेड़े कराए। तो बच्चों क्या सीखा, कभी भी भाई कवर से बाहर ना निकलो, आप चाहे जितने भी प्रो हो, मैं तो खैर हूँ भी नहीं, लेकिन सब लोगों के लिए ये एडवाइस है कि कभी भी भाई ना निकलो भाई। ये ईगल भाई का मैं किल कंफर्म करना चाह रहा था, तो उसको मैंने एक शॉट मार दी, ईगल भाई ने भी कंफर्म कर लिया खुद से। अब जोन उन पे आ रहा है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत थी नहीं, आराम से मैंने लेट के स्प्रे किया M4 का और इजी किल।
यहाँ पे मेरे हो चुके थे 19 kills, और साथ साथ ही मैंने जो है ना हैक शॉप खोली हुई थी, और मैं जो है ना चीज़ें मंगा रहा था, साथ साथ सेलेक्ट कर रहा था कि भाई ये चीज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि हेलमेट जैकेट का होना जो है ना बहुत ज़रूरी है, और मेरा था डैमेज्ड, तो इसलिए मैंने वेस्ट मंगाई सिर्फ, और शील्ड्स और नेट्स वगैरह मंगाए, और अभी मेरे पास हेलमेट जो था ना वो सारा ही डैमेज था, जिस तरह के देख भी सकते हैं आप लोग। तो फिर जो है क्या हुआ कि आगे जो है ना ड्रॉप गिरा हुआ था, मैंने कहा चलो ड्रॉप से level 3 का सामान उठाते हैं, और हेलमेट उठा के तो अब हम जा रहे हैं कंपाउंड्स पे कि कोई अच्छे कंपाउंड्स मिल जाए जोन के अंदर। ये वाले कंपाउंड जो है जोन में थे, इस नाया में बंदे थे, और ये स्पॉट कर चुका था, मैं छत पे था, इसको मैंने नॉक दिया, और इसको मैं मार सकता था लेकिन मैंने शॉट नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत ही ना माइन्यूट सा एंगल था मेरे पास, तो मैंने शॉट नहीं दिया। खैर वो रेफ हो जाएगा बंदा, और जोन भी आ रहा था, तो अब हमें पता नहीं था जोन कहाँ बनेगा, तो इसलिए अभी हम वेट कर रहे थे यहाँ पे कि जोन का आइडिया हो जाए कि कहाँ पे बनेगा और क्या करना है हमने फिर आके। तो जब जोन बना तो हमें पता लगा कि भाई जोन तो हमारी फेवर में, तो इसलिए हमने गाड़ी उधर ही रहने दी, और ख़ुद जो है ना मैं थोड़ा सा आगे गया, क्योंकि आगे से फायर हो रहे थे, ओपन में बंदे थे, ये देखें आप जरा, ये सामने बंदे चौक में लेटे हुए हैं, शील्ड डाली हुई है, तो मैंने कहा इनको मैं मारूंगा लास्ट में, तो मैं थोड़ा सा आगे आया, और यहाँ पे हो गया बमबारी हैवी किस्म की, और दो ग्रोहों के दरमियान तसादुम हो चुका है, और बड़ा अच्छा नेट कराया था सामने वाले ने भी, और एक और भी कराया, और शील्ड जो है ना मुझे बचा गई, वरना मैं नॉक था इधर, और एक और कराया और इसमें मैं नॉक था, और साथ ही मुझे आग भी लगा दी, माशाल्लाह क्या बात है, बेहतरीन। सामने वाले बड़े अच्छा खेल रहे थे, और यहाँ पे मैं ईगल भाई से कह रहा था कि यार आज और एफ के लिए, और ईगल भाई ने फौरन जो है ना क्विक सर्विस का मुजाहरा करते हुए 10 रेव दिया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच सकूँगा, क्योंकि वो मार भी रहे थे सामने से, तो ईगल भाई किसी तरह पहुँच गए मेरे पे, और हमने वैसे पूरा मैच जो है ना हमारी माइक वगैरह बंद था, तो एंड पे ना ईगल भाई और मैंने आपस में मुजाकरात करके जो है ना खेला है तो क्योंकि मैच काफ़ी फंसा हुआ था, ओपन जोन था, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे मैंने नेट से नॉक किया, एक और मैंने मारा, मतलब भाई जो हैं वो बिल्कुल ही बेखबर होके जोन से आ रहे हैं, किट शट लगाते हील शील करते हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं होता तो खैर फौरन से आम की शॉट मैंने दी, और मुझे उस शॉट का बहुत बहुत मज़ा आया खैर यहाँ पे मैंने अपना किल कंफर्म किया जिसको मैंने नॉक दिया हुआ था, एक और नेट फेंक के, अब नेट्स वगैरह हो चुके थे ख़त्म, और दो बंदे रह गए थे, हमें पहले लग रहा था कि डुओ भी डुओ है शायद, लेकिन असल में 1v1 V2O था, तो सामने वाला बंदा जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, और वो भी एंड तक लोकेशन हमें नहीं देता, और अभी हमें कोई आइडिया नहीं है बंदे कहाँ पे हैं। खैर जब बंदे ने मारा तो हमें पता लगा कि यार अच्छा ठीक है, अब आखिरी बंदा रह गया, देख के खेलना, चिकन मिस नहीं होना चाहिए। खैर एंड पे जो है मुझे इतने किल्स नहीं मिले, 19 kills मेरे काफ़ी पहले के हुए हुए थे, बंदे काफ़ी रहते थे, यहाँ पे मैंने नॉक शॉक काफ़ी दिए, लेकिन मुझे जो है ना किल्स नहीं मिले, बस 2 kills ही मिले, और आखिरी किल देखें अब मैं ले सकता हूँ या नहीं, ये तो अब आप देखें, और स्मोक्स वगैरह करके मैं क्या जोन में, और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रहे थे मैं और ईगल भाई, और मज़ा आया काफ़ी मैच का, और जो है बंदा जो है ना सामने वाला वो बहुत ही तेज़ था भाई, वो उसके पास रिज भी थी, और वो लोकेशन अपनी बिल्कुल भी दे नहीं रहा था, और हमें नहीं आइडिया था कि वो कहाँ पे है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं जोन थोड़ा सा और कटे, थोड़ा श्रिंक हो तो शायद हम कुछ कर पाए। ईगल भाई भी पूछ रहे थे कि यार बंदा कहाँ पे है, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कहाँ पे है, तो एक मॉली मैंने कराने की कोशिश की रैंडम,
स्मोक्स वगैरह काफ़ी सारे कर दिए थे, स्मोक्स भी ख़त्म थे मेरे पास। और बंदा बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत लो था, उसने मुझे देख लिया था कि मैं यहाँ पे लेटा हूँ, और इसी बात का फ़ायदा उठाया ईगल भाई ने, एंगल चेंज किया और उसको मार दिया। और ईगल भाई के साथ खेल के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और जो है ना इन्होंने बड़ा साथ दिया, रेफ भी दिया है बड़े ख़तरनाक मौके पे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और ये इंशाल्लाह तो फिर यार गलत कभी है, गेम आप वहाँ पे खेलेंगे। गए, वहाँ पे करेगा, मैंने कहा और भाई से बात यहाँ पे करूँ। जो है बहुत अच्छा मैच गया, और एंड पे बेशक किल्स नहीं मिले लेकिन मैच इंटरेस्टिंग था, ओपन जोन था सारा, तो एज डोमिनेटर मेरा हो गया काफ़ी अच्छे का। तो ये गेम प्ले था तो मैंने कहा चलें ये पोस्ट करते हैं। और जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब कर दें भाई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ओके, सी यू गाइस लेटर, लाफ।